हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ रामेश्वरी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजमा की सब्ज़ी की रेसिपी। तो राजमा बनाने के लिए हमने 250 ग्राम राजमा को 5 से 6 घंटे पानी में फुला दिए थे और अब हम इन्हें प्रेशर कुकर में पका लेंगे। तो इन्हें पकाने के लिए हमें इन्हें फुलाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये अच्छे से पक नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इन्हें पहले 5 से 6 घंटा अच्छे से फुला लीजिए। और अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा सोडा, 1/4 टीस्पून। सोडा मिलाने से ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हम ढक्कन लगा देंगे प्रेशर कुकर का और इन्हें 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। और अब देखिए, 15 से 20 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 15-20 लहसुन की कलियाँ, 3 मीडियम साइज़ की प्याज और 3 टमाटर। तो हम इन सब चीज़ों की प्यूरी बना लेंगे। प्याज, अदरक, लहसुन को हम पहले अलग पीस लेंगे और उसके बाद हम टमाटर को भी पीस के इनका पेस्ट बना लेंगे। तो हम इन्हें पीस लेते हैं। इसे पीसने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए प्याज में, तो ये अच्छे से फाइन पेस्ट बन जाता है। तो देखिए, ये तैयार हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल लिए हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, तो हमने इसमें 2 लहसुन की कलियों को बारीक कट करके पहले डाले हैं। इससे तेल में बहुत अच्छे से एक फ्लेवर आ जाता है। लहसुन को हम लाल होने तक पका लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे और मसाले। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो देखिए, अब ये लाल हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 पत्ता तेजपान का और इसमें 2 से 3 हम काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट तैयार किए हैं, प्याज, अदरक और लहसुन का। और अब हम इन्हें ढक देंगे। ढकने से इसका फ्लेवर सब्जी में बहुत अच्छे से आता है। तो अब देखिए, ये इसको अब हम पका लेंगे। राजमा बहुत पौष्टिक होता है, तो हमें इसे अपने खाने में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो अब ये मसाला हमारा तेल छोड़ने लगा है किनारों से, तो ये पक चुका है। तो अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। अब हम सारे मसालों को अच्छे से पका लेंगे। मसालों को हमेशा धीमी आंच पर पकाएं, जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से पकते हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, मसाला पक चुका है। तो अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे जो हमने पहले बना के रखे हुए है, और अब हम इन्हें अच्छे से मसाले के साथ पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर अब मसालों के साथ अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा पानी। तो पानी हमने थोड़ा मिक्सर ग्राइंडर के जार में थोड़ा मसाला लगा हुआ था, तो उसी से हमने पानी डाल के अच्छे से निकाल लिए हैं। तो उसी को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इसे हाथों से घिसते और फिर इस तरीके से इसमें डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट और अच्छा बढ़ जाता है, सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है कसूरी मेथी डालने से। अब इसमें थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं।
तो अब मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। जब आप बनाएंगे तो देखेंगे कि बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे राजमा जो हमने पका कर रखे हुए हैं, तो हमें इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसाले में राजमा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे पानी के साथ थोड़ा पकने देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे एक उबाल आने तक और पकाएंगे, क्योंकि ये पहले से उबले हुए हैं तो इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम एक उबाल आने तक और पका लेंगे। तो देखिए अब राजमा तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे हरा धनिया की पत्तियों के साथ गार्निश करेंगे और अब ये तैयार है सर्व करने के लिए। तो सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म राजमे की सब्जी के साथ चावल या रोटी आपको जो पसंद हो वो सर्व कर सकते हैं और खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इसे थोड़ा धनिया की पत्ती से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। और हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।